मैं आपके साथ सारा खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुखवीर है जी। तो जो आपके गांव के सरपंच हैं, उन्होंने कैसे विकास कार्य कराए आपके गांव में? गांव में खूब विकास हो रहा है जी चारों तरफ। तो आगने वाली योजना में भी उन्हें सरपंच बनाना चाहोगे? हाँ देखो, कोशिश तो यही रहेंगी जी, जब बढ़िया काम कर रहा हो तो बढ़िया ही आदमी है। तो क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम इस्लाम है जी, सरपंच। तो जो आपके सरपंच, उन्होंने कैसे विकास कार्य कराए आपके गाँव में? बढ़िया काम चल रहे हैं। तो आने वाली योजना में उन्हें सरपंच बनाना चाहोगे दोबारा से? बिल्कुल। मैं दीपक शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ हैं गांव पिंगोड़ के सरपंच छंगालाल जी। लगभग इनके कार्यकाल को 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने गांव में कितने विकास कार्य कराए, आइए सबसे पहले इनसे जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, आपने आपके कार्यकाल को 4 साल हो चुके हैं, तो आपने कितने विकास कार्य कराए, मुख्य रूप से दर्शकों को बताएं। तो मैं पहले बताना चाहूँगा, जो हमारा फोकस था वो विकास, शिक्षा और सफाई पर था। हमारे गाँव का जो मेन मुद्दे थे, उसमें विकास में बहुत, जो हमारी कच्ची गलियां थी जहां हम पर निकला भी नहीं जाता था, वो हमने पक्की कराई हैं। 4 चौपाल बनवाई हैं और 3 पर काम चल रहा है, ठीक है जी। और स्कूल में नए सिरे से टाइलों द्वारा 35 लाख का जो रास्ता और रेसिंग ट्रैक बनवाया था वो है। बाथरूम बनवाए थे। जो हमने विकास कार्य कराए थे, पहला मुद्दा था शमशान घाट की 4 दीवारी और उसमें छतरी बनवाना, वो हमने पूरा लगभग हो चुका है, 5% कुछ काम रह रहा है। और मेन मुद्दे जैसे गली गिरारे पक्के किए, उसमें लगभग जो विकास कार्य में लागत आई थी, लगभग कम से कम 2.5 या 3 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। तो सर, लगभग आपके कार्यकाल को 1 साल रह चुका है, आपकी भावी योजनाएं क्या हैं जो आपके मन में हो और जिन्हें आप अपने कार्यकाल में कराना चाहोगे? जी सर, मैं बताना चाहूँ जो भावी विकास कराने हैं हमें, एक तो पार्क बनाना है जिसमें बच्चे बड़े बूढ़े बैठ सकें, और 2 पुलों का निर्माण चल रहा है कार्य, और एक हमारा जो मवेशी हॉस्पिटल है वो भी उसमें निर्माण चला हुआ है, और कुछ मैं गांव में लाइटें लगाना चाहता हूं 1 साल के अंदर, इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कुछ मेरे को ग्रांट दी जाए। और मैं स्कूल के बच्चों या गांव के जो युवा हैं उनके लिए लाइब्रेरी खोलना चाहता हूं, और एक स्टेडियम जिससे बच्चे आगे जॉब के लिए जाएं, ट्रेनिंग के लिए जाएं, फौज के लिए या किसी भी जॉब के लिए जाएं, तो इसलिए मैं स्टेडियम का भी निर्माण कराना चाहता हूँ। तो सर, जैसे देहात एरिया है, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ क्राइम देखा जाता है, तो आपने अपने गांव में महिलाओं के लिए कितने विकास कार्य कराए हैं? महिलाओं के लिए मैं 1 साल के अंदर मैं CCTV कैमरे हर चौराहे पर लगवाना चाहता हूं, और उनके जो सुरक्षा हेतु जो लाइटें हैं, लाइटें हर खम्भे पर लगाना चाहता हूँ, जिससे कि हमारी जो गाँव की बहन बेटियाँ हैं या बच्चे जो देर अमेर सुरक्षित घर आ सकें,
और सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। तो सर अंत में आप अपने गांव बस्ती को कोई संदेश या कोई मैसेज देना चाहोगे? जी मैं एक जरूर संदेश अपने गांव वासियों को जरूर देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ जिससे कि बेरोजगारी हटे और अनपढ़ता हटे। इसलिए मैं सभी ग्रामवासियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे भावी मतों से जो विजय प्राप्त दिलाई थी इसलिए, और मैं अपने इसके साथ साथ मैं ग्रामवासियों व अपने हलका के विधायक श्री जगदीश नायर जी का शुक्रिया अदा करूंगा, और इसके साथ ही अपने जो एमपी साहब हैं अपने कृष्ण पाल जी, उन्होंने जो सहयोग दिया है गांव के लिए उसके लिए मैं उनका सह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और विकास कार्य के लिए जो आगे भावी योजनाएं उनके लिए मुझे थोड़ा ग्रांट की ज़रूरत पड़े उस लिए मुझे ग्रांट दी जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अपने विधायक श्री जगदीश नायर जी से कि जो मैं स्टेडियम का निर्माण कराने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी ग्रांट दी जाए जिससे कि मैं अपने गांव में नए स्टेडियम का निर्माण करा सकूँ।